यो भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग दोस्तों यहाँ पर बहुत बढ़िया होंगे भाई और मज़े कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का दोस्तों यहाँ पर गाइज आरिश खान के हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के इस वाले वीडियो में दोस्तों जो चैलेंज हम करने वाले हैं मेरे हिसाब से तो यूट्यूब पर अब तक भाई किसी ने भी नहीं किया होगा। इंडियन कार्स के साथ जो भी यहाँ पर इंडियन कार्स के चैलेंज वगैरह करते हैं ना, अब तक मुझे नहीं लगता दोस्तों यहाँ पर किसी ने भी भाई इस चैलेंज को जो है दोस्तों कामयाब किया होगा या फिर अंजाम दिया होगा भाई, जो बात भी है ठीक है। रेनबो बलिनो अपने पास और यहाँ पर ये देखिए सामने वो जो देख रहे हो ना वो देखो, ये देखो ये जो ट्रक्स है ना कितने सारे लगे हुए हैं ये देख लो। और आज के इस वीडियो में ये देखना है कि कौन सी इंडियन गाड़ी इतने ज़्यादा इनको उड़ा सकती है। अब आप ये बोलोगे कि आरिश भाई कोई भी इंडियन गाड़ी एक भी नहीं उड़ा सकती क्योंकि एक भी नहीं उड़ा पाती है भाई। तो इंडियन गाड़ियों के अंदर हमने सुपर नेचुरल पावर्स डाली हैं, जादू। जादू था ना, मैं रात को सो रहा था ठीक है भाई, तो मैं रात को सो रहा था, जादू मेरे पास आता है कहता है बता क्या चाहिए तेरे को। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैंने पावर मांग ली, मैंने कहा सुपर नेचुरल पावर्स चाहिए मेरे को मेरी गाड़ियों के अंदर। तो ये सुपर नेचुरल पावर्स आ गई तभी तो ये गाड़ी रंग बदल पा रही है। तो अब हर इंडियन गाड़ी अपना रंग बदलेगी और खतरनाक वाली पावर आ चुकी है इनके अंदर ठीक है। चलिए एक बार बलिनो से टेस्ट कर लेते हैं कितने उड़ाएगी। 3, 2, 1। अब आप नज़ारा देखना बस, आज का ये नज़ारा बहुत भयंकर होने वाला है। शिट इतने में उड़ा है बलिनो ने, बलिनो ज़्यादा भी उड़ा सकती थी बट बलिनो ने इतने नहीं उड़ाए। बलिनो उत्तरी कहाँ फेंक के मारा है देख रही हो दोस्तों, बलिनो से इतने नहीं उड़े हैं फिर भी थोड़े बहुत दोस्तों यहाँ पर जो है बच गए हैं। ये देखो एक तो गुस्सा उतार देता हूँ अपना, हट तेरी ऐसी की तैसी। अभी भी दोस्तों रह गए, खैर कोई नहीं। चलिए दोस्तों अभी यहाँ पर जो हम दूसरी इंडियन गाड़ी को लेकर आते हैं और इस वाले चैलेंज में हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 या फिर 6 इंडियन गाड़ियों का दोस्तों इस्तेमाल करेंगे। तो पहली इंडियन कार दोस्तों अपनी यहाँ पर आ गई ठीक है, चलिए दूसरी इंडियन कार को बुलाया जाए ठीक है। चलिए दूसरी गाड़ी को बुलाते हैं अब गाइस। गाइस अपनी दूसरी इंडियन गाड़ी आ चुकी है जो कि सुजुकी स्विफ्ट है। और यहाँ पर ये देख लीजिए आप, ये सारे के सारे ट्रकों को दोबारा से भाई लाइन सर जो है लगा दिया गया है, क्या बात है। अब आएगा ना असली मज़ा, स्विफ्ट आएगी सामने से और उड़ाया जाएगा इन सबको। आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों, तो यार प्लीज़ पूरा वीडियो को देखना यार, बहुत ज़्यादा मस्ती आने वाली है आज आपको इस वीडियो में। चलिए 2 अटैम्प्ट करेंगे और हम ठीक है ना। चलिए पहला अटैम्प्ट, 3, 2, 1। तो स्विफ्ट के अंदर इतना दम नहीं था, पहले ही अटेम्प्ट में ना स्विफ्ट ऐसे खड़ी हो गई। तो यार मारुति वालों कुछ करो यार, थोड़े दम डाल दो इस गाड़ी के अंदर, मैंने भी दम डाल दिया तो अब भी कुछ नहीं कर पा रही है। चलो एक बारी और, 2 अटेम्प्ट करने हैं ना, इस वाले को तो फेल कर देते ना पहले वाले को, चलो दूसरा करते हैं। 3, 2, 1। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, भाग 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 भाग, खैर मुड़ गई। बट इसने बलिनो से ये फिर भी पीछे ही रहेगी ठीक है, बलिनो से पीछे ही रहेगी, गुस्सा उतार लो, उतारना चाहती है तो देख रहे हो एक को तो कहाँ फेंक के मारी, ये अब देखना भाई साहब कहाँ फेंक कर मारी है भाई इस मशीन को इसने। और इसको देखना ये पटरी पर जाएगी, कहीं नहीं गई दोस्तों पटरी वटरी पर, यहीं थी। तो यार स्विफ्ट का भी एक्सपीरियंस उतरी, कहाँ उड़ा दिया, उड़ गया क्या, उड़ ही गया मेरे को, उतरी उड़ गिरा है। तो दोस्तों स्विफ्ट का एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक है बट जो स्टार्टिंग में इसने परफॉर्मेंस के साथ वो चीज़ दिखाई थी ना कि वो एकदम ऐसे उठ गया और वो कुछ, वो मेरे को दोस्तों यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास चीज़ जो है भाई जमी नहीं थी।
आपको अगर जमी थी स्विफ्ट से रिलेटेड तो एक बार कमेंट करके बताना, बट मेरे को पर्सनली, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे को नहीं जमी। गाइस तो अब यहाँ पर आ चुकी है भाई अपनी महिंद्रा की तरफ से आने वाली महिंद्रा बुलोरो, और इस गाड़ी को तो दोस्तों यहाँ पर पहाड़ों की रानी कहा जाता है। अब बहुत सारे बंदे भाई इस गाड़ी को पहाड़ों की रानी मानते भी हैं और भाई कहा भी जाता है। एक टेस्ट कर लेते हैं बस। फेंक के मारा है भाई साहब इतनी ज्यादा दूर, भयंकर यार, ये चीज अमेजिंग है। चलो अब चलते हैं दोस्तों, प्यार प्यार से चलेंगे। क्या बात है, मजा आएगा भाई तबे बहुत ही ज्यादा। पहला अटेम्प्ट करने वाला हूँ मैं। स्विफ्ट ऐसे खड़ी हो गई थी पहले उस वाले के अंदर, ये नहीं होनी चाहिए भाई, दमदार गाड़ी है, 4x4 भी है। चलो देखी जाएगी। सारे बिखेर के रख दिए बुलोरो ने, अब एक टक्कर और लगेगी ना बुलोरो भाई तहस नहस कर देगी इनको। हट साइड हो भाई साहब, बुलोरो में सबसे ज़्यादा ताकत है। और अब ना सबसे पहले नंबर पर अगर कोई चीज़ आएगी तो दोस्तों महिंद्रा की बुलोरो ही होने वाली है। चलो भाई दोबारा से भगाते हैं भाई गाड़ी को, एक नंबर मज़ा आएगा। पहले नंबर पर बुलोरो है दोस्तों, ये देखो तेरी। बुलोरो ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है तुम्हारी, ऐसी तैसी हटो। ये उड़ा दिया ये, हाँ यहीं गिरेगा, यहीं कहीं को तेरी बहुत, कहाँ गया भाई साहब। महिंद्रा बुलोरो ने दोस्तों सबसे ज्यादा तबाही मचाई है, लिटरली सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाली गाड़ी महिंद्रा बुलोरो। फाइनली आ चुका है अब यहाँ पर सबका बाप, और इस बाप को कौन नहीं जानता, द वन एंड ओनली फॉर्च्यूनर। एक बारी फॉर्च्यूनर को ऐसे ही ट्राई करते हैं ले जाकर। चल चल चल, क्या भागती है यार गाड़ी भाई साहब, भी चैलेंज को ख़राब कर देती है। चलो दोबारा से, ठीक ठाक स्पीड है बट जितना महिंद्रा की गाड़ी के अंदर बुलोरो में इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर थी ना, क्या इस गाड़ी के अंदर है उतनी पावर या फिर नहीं है वो तो देखो अभी पता ही चल जाएगा। चलिए देखते हैं, 3, 2, 1 चल भाई, चल चल चल। उत्तरी सब, क्या ट्रैक्शन है इसका, एक नंबर। एक बार पीछे से लेकर आऊँ क्या मैं इस गाड़ी को, चलो पीछे से कुछ कर पाएगी क्या ये, इसका इम्पैक्ट बड़ा खतरनाक है दोस्तों। इसका फॉर्च्यूनर का इम्पैक्ट भी बड़ा खतरनाक है और इसने भी गाड़ियों को भाई तहस नहस ही कर दिया इनको। पर दोस्तों उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं जितना ज़्यादा खतरनाक बुलोरो का था, मैं बुलोरो को ही फर्स्ट नंबर पर रखूँगा। दूसरे पर आती है फॉर्च्यूनर, देखे ज़रा कोई इसे आसमान में उड़ा सकती है क्या। ए ए ए ए ए उड़ा उड़ा उड़ा, सही है वैसे उड़ा पा रही है बट उस हद तक नहीं। ये देखो ये प्लेन को उड़ाएगी क्या, प्लेन को कैसे उड़ा दिया भाई इसने, भाई साहब अमेजिंग। देखो अमेजिंग मज़ा है इस गाड़ी के अंदर, अगर तुम मज़े लेने की शौकीन हो तो भाई ले सकती हो, काफ़ी ज़्यादा भयंकर मज़ा गाड़ी है ना, एक बस क्या ही बोलूँ मैं, एक इंसेन चीज़ है। और इसको देखो ज़रा, भाई
भाई साहब बढ़िया है ये भी। ये मैंने सोचा था ज़्यादा ऊपर तक उछा लेगी, बट इतना भी नहीं हुआ। अब अगर इस गाड़ी ने कुछ कर दिखाया तो भाई सेंचुरी बना देगी ये। टक्कर बड़ी खतरनाक है, इम्पैक्ट बड़ा खतरनाक है इसका। चलो अब इसको लेकर चलते हैं। बढ़िया, 3, 2, 1 ओके। भाई साहब पहले इम्पैक्ट में इसने फॉर्च्यूनर से ज़्यादा गाड़ियाँ हिलाई हैं और बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा गाड़ी के ऊपर। जैसे कि बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा कोई इफेक्ट, ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ा है दोस्तों, बट फिर भी इसने बहुत हद तक भाई जो है लेकर गई है अपने आप को, और बहुत हद तक इनने भाई पुल भी करा है अपने आप को। सही बात है। चलो 3, 2, 1 दूसरे इम्पैक्ट में इतनी ज़्यादा नहीं कर पाई, बट फिर भी बहुत हद तक दूसरे इम्पैक्ट पर इतनी नहीं है। हाँ बट उन सबसे नीचे तीसरे नंबर पे आएगी दोस्तों ये गाड़ी, क्योंकि पहला इम्पैक्ट इस गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा शानदार था, तो तीसरे नंबर पे इस गाड़ी को भाई रखा जाएगा। देखो पीछे से अच्छा है, पेड़ तो रही है एक, मुझे पता था ना इसकी भुर्जियाँ से उड़ा देगी। चलो कहाँ उड़ाई है, कारों की तो ऐसी तैसी कर देगी है। देखो ज़रा भैया जी की गाड़ी का क्या हाल किया है भाई साहब। ये सामने से एक गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहा है। क्या हुआ ट्रक का, टूटी गया भाई वो ट्रक। खैर किसी से पंगा ऐसे दोस्तों लेना नहीं चाहिए। भैया आप खुद आए थे जाना, इसके ऊपर कुछ ज़्यादा खतरनाक इम्पैक्ट पड़ा है। अगर आप सब लोग चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में गाड़ियों के साथ करूं कुछ ऐसा, तो एक बार कमेंट करके बताना। सामने कोई कार खड़ी करेंगे भाई और उन गाड़ियों को उड़ाएंगे, ठीक है, फिर बहुत मज़ा आएगा। एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है। अगर आज का चैलेंज अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो कर दो लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।